सो गाइस, ये है डाट काली माता मंदिर और देहरादून का बहुत ही प्रसिद्ध जो है ये डाट काली मंदिर है। यहाँ पर जो है काफ़ी दूर दूर से संगतें आती है माता रानी के दरबार में जो है दर्शन करने के लिए, मत्था टेकने के लिए, और हर दिन जो है हजारों जो है भक्त यहाँ पर आते हैं डाट काली माता मंदिर में जो है मत्था टेकने के लिए यहाँ पर। और मैं जो है यहाँ पर हर महीने जो है यहाँ पर आता हूँ माता रानी के इस दरबार में मत्था टेकने के लिए। काफ़ी जो है अद्भुत नज़ारा रहता है इस माता रानी के दरबार का। और आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर जो है दोनों राज्य की जो है यहाँ पर संगत आती है, सहारनपुर से भी आती है और आपका देहरादून से भी। यहाँ पर एक मान्यता है कि जब कोई अपनी नई गाड़ी लेकर आता है तो जो है इस माता रानी के दरबार में जो है उस गाड़ी की जो है पूजा अर्चना जो है माला अर्पण सब कुछ की जाती है पूजा पाठ पंडित के द्वारा। ये आप देख सकते हैं जितनी जो है गाड़ी यहाँ पर खड़ी है लाइन से, ये सब जो है इस वक्त यहाँ आप देख सकते हैं जितनी गाड़ी जो है ये लाइन से खड़ी है, इको खड़ी है और आपका ये जो कार खड़ी है ये सब जो है इस वक्त यहाँ पर पूजा पाठ के लिए जो है लाई गई है, क्योंकि इनके मालिक के द्वारा जो है ये नई जो गाड़ी ली गई है, देख सकते हैं आप लोग। कोई भी गाड़ी हो चाहे सेकंड हैंड हो चाहे नई हो तो यहाँ पर जो है अवश्य आते हैं माता रानी के दरबार में जो है मत्था टेकने के लिए और गाड़ी का जो है पूजा पाठ कराने के लिए। यहाँ पर जो है भंडारा भी होता है और एक से नहीं तीन चार जो है यहाँ भंडारे हमेशा होते हैं। यहाँ पर एक मान्यता है कि जितनी जो है गाड़ियाँ नई होती है वो जो है यहाँ पर पूजा पाठ के लिए जो है आती है हमेशा। और अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है दो तीन जो है इको तीन जो है यहाँ पर इको खड़ी है और तीन जो है यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी यानी कार, और ये तीनों कारों की जो है यहाँ पर अभी पूजा अर्चना की गई है, उनके ऊपर जो है माला चढ़ाई गई है, उनको टीका लगाया गया है पंडित के द्वारा। और अभी जो है इन गाड़ियों के नंबर भी नहीं आए, आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये गाड़ी जो है अभी नई ली गई है और इनके जो है अभी नंबर भी नहीं आए और इनको जो है स्पेशल यहाँ पर लाया गया पूजा पाठ के लिए। कोई भी गाड़ी हो चाहे सेकंड हैंड हो चाहे नई हो, टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर हो, सभी जो गाड़ी यहाँ पर आती है और जो है यहाँ पर पूजा अर्चना जो है उनकी की जाती है। और काफ़ी श्रद्धा भाव से लोग यहाँ पर आते हैं मत्था टेकने के लिए। काफ़ी पौराणिक जो है ये मंदिर है, डाट काली माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। और आप लोग को मैं बता दूँ, आप लोग को एक बात और बताया था कि ये जो है ये मंदिर जो है यूपी के क्षेत्र में पड़ता है और सुरंग के उस पार जो है डाट काली माता मंदिर है एक, उसके भी जो है मैं आपको वीडियो दिखाऊँगा, वो जो है पूरी उत्तराखंड के अंदर पड़ती है, वो भी काफ़ी प्रसिद्ध है। वहाँ पर भी जो है लोग काफ़ी जो है मत्था टेकने के लिए आते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा जो है मैं आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं यह है नई गाड़ियाँ। ये अंदर का नज़ारा है, देख सकते हैं आप लोग। बरसात को देखते हुए जो है लंगर नीचे कराया गया है हॉल में, बाकी तो जो है ऊपर होता है हॉल के ऊपर छत पे, और इस बार जो है लंगर हॉल में कराया गया। काफ़ी बड़ा जो है यह हॉल है, काफ़ी स्वादिष्ट जो है यहाँ का भंडारा रहता है हमेशा, और आप लोग जब भी आए तो यहाँ का जो है भंडारा ज़रूर चख के जाए। प्लेटें जो है आप लोग को यहाँ धुली धुलाई मिलेगी, प्लेटें आप लोग को धुलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पुराने वाली सुरंग है और पुराने वाली गुफा है ये, और उस पुराने वाली गुफा के बाद जो है ये डाट काली माता मंदिर आता है। ये प्राचीन सिद्धपीठ श्री भद्रकाली माता का जो है मंदिर है ये। ये जो है पुराने वाली गुफा है जो सबसे पहले देहरादून में प्रवेश करने के लिए जो है ये गुफा बनाई गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा। और ये जो आप देख रहे हैं प्राचीन सिद्धपीठ श्री माँ भद्रकाली का जो है मंदिर है, ये देहरादून के क्षेत्र में पड़ता है यहाँ से, और जो गुफा के उस पार पड़ता है वो जो आपका सहारनपुर क्षेत्र में यानी कि यूपी में जो है वो डाट काली माता मंदिर पड़ता है। मान्यता वैसे सबसे ज़्यादा उसी की है और इसकी भी मान्यता है, यहाँ पर जो है बहुत ही कम जो है भक्त लोग आते हैं।
और जब जागरण होता है तो इन दोनों मंदिरों में जो है जागरण एक साथ किया जाता है यहाँ पर, और काफ़ी भव्य जो है जागरण होता है यहाँ पर हमेशा। पहली बार जो है मैं इस इन माता रानी के जागरण में आता और काफ़ी अद्भुत जो है यहाँ पर जो है सजावट की गई थी और काफ़ी अद्भुत जो है यहाँ पर जागरण किया गया था और काफ़ी बड़े बड़े जो है भजन करते जो है बुला रखे थे यहाँ पर। अगर आप डाटकाली माता मंदिर में आए तो इस मंदिर में भी जो है आके जो है आप अवश्य मत्था टेक सकते हैं यहाँ पर, और पूजा पाठ का जो है सामान आप लोग को इस मंदिर से भी मिल जाएगा। गाइस ये है राजा जी नेशनल राष्ट्रीय उद्यान, और इसकी स्थापना आप देख सकते हैं 1983 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, और क्षेत्रफल है 842 वर्ग किमी। ये जो है इंडिया का सबसे बड़ा राजा जी नेशनल पार्क है, और ये जो है नेशनल पार्क यहीं से शुरू होता है डाटकाली माता मंदिर से।